राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। लर्निंग आउटकम के ऊपर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक देशराज फुटबॉल ने किया तथा खंड स्रोत समन्वयक दिनेश ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहे। कार्यशाला में खंड हमीरपुर के 65 साइंस अध्यापकों को पाठन पठन के आधुनिक तरीकों को समझाया जाएगा। इस मौके पर DRG करुण राणा, अनिल शर्मा, अश्विनी शर्मा तथा अन्य मौजूद रहे। BRC दिनेश ठाकुर ने बताया कि 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बाल स्कूल परिसर में किया जा रहा है। इस कार्यशाला में हमीरपुर ब्लॉक के 65 साइंस अध्यापक भाग ले रहे हैं, जिनमें अध्यापकों को पाठन पठन के आधुनिक तरीकों को समझाया जा रहा है ताकि बच्चे पढ़ाई में अधिक रुचि लें। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कार्यशाला का आयोजन करता है। 5 दिवसीय TGT साइंस के अध्यापकों की जो सरकार द्वारा टाइम टू टाइम करवाई जाती है वो लर्निंग आउटकम्स के ऊपर आधारित है, जिसमें जो है विभिन्न स्कूलों के कम से कम 60 अध्यापकों ने इसमें भाग लिया है। और 5 दिवसीय कार्यशाला जिसमें जो है लर्निंग आउटकम्स के ऊपर जानकारी, जो टिप्स दिए जा रहे हैं और लेसन प्लानिंग और टीचर्स ऐप के माध्यम से बच्चों को जो जानकारी दी जानी है उसके ऊपर जो है अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि लर्निंग आउटकम्स के माध्यम से बच्चों को इस प्रकार से जागरूक किया जाए कि बच्चा जो है पढ़ाई के क्षेत्र में जो भी बेसिक कंसेप्ट है उनको अच्छे ढंग से सीख सके, ताकि लाइफ में उनका भरपूर उपयोग किया जा सके। तो है ब्लॉक के ऊपर ही निर्धारित की गई है, पूरे जिला में अलग अलग ब्लॉकों की अपनी अपनी कार्यशाला है, जो कि 6 ब्लॉकों में डाइट गोलक रोड DPO के माध्यम से ये सुचारू रूप से करवाई जाती है।